हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, वैसे ही इस हफ्ते से अपन देखेंगे कि अलग अलग जो चैप्टर्स रहते हैं एप्टी के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज सबसे पहले अपन शुरू करेंगे नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज़ एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। नंबर सीरीज़ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ज़रूरी है क्यूब्स और स्क्वायर्स याद आना। क्यूब्स आपको 20 तक और स्क्वायर्स आपको 40 तक आने ज़रूरी है। उससे आपका टाइम बचेगा। टाइम जो ये सीरीज जो है टाइम लेस कंज्यूम करती है, इसलिए आपको इसमें मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, नंबर सीरीज़ एक पैटर्न बेस्ड सीरीज रहती है, जिसमें आप देखेंगे अलग अलग पैटर्न्स। सीरीज़ इमेजिनेशन पे बेस्ड रहती है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। मतलब 4 के आगे आपको 10 पूछे जा सकते, 10 के आगे आपको 150 पूछे जा सकते हैं। तो पहली सीरीज रहती है बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, 4, 9, 14, 18, 24, 29। इसमें 5 ऐड होते जा रहे हैं। अब देखेंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, देख रहे हैं 8, 27, 125, 512, ये सब क्यूब्स है। कोई 8 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, बेस्ड ऑन मिक्स पैटर्न। इसमें 2 पैटर्न्स रहते हैं, पैटर्न 1 और पैटर्न 2। अब देखेंगे एक एग्जांपल, हाउ टू सॉल्व बाय 2 पैटर्न। देख रहे हैं 12 into 1 is equal to 12, 12 into 1.5 is equal to 18, 18 plus 1.5 is equal to 45। अलग पैटर्न में रहेगा 12 into 1 plus 0.5 is equal to 12, 12 into 1.5 is equal to 18। सो आप अगर पैटर्न 1 फॉलो करेंगे, तो सीरीज में पहले पैटर्न से 1080 आपका गलत जवाब आएगा। पैटर्न 2 फॉलो करोगे तो भी वैसा ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछे हैं, वो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 5, 11, 14, 19, 28, 43, इसके आगे क्या हो सकता है? इसमें आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको जवाब आएगा। पहले ही आपने देखा है कि यहाँ पे 4 तरह के टाइप के सीरीज पूछे जा सकते हैं, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, क्यूब्स या फिर मिक्स। मतलब मिक्स में या तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्टली कुछ नंबर सीरीज़ के बारे में बताया है। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए, स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने के लिए आप अलग अलग मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही चांसेस है आपकी एग्ज़ाम क्लियर होने की। दिन में अगर आप 5 सेट इस नंबर सीरीज़ के सॉल्व करें, किसी किसी एग्ज़ाम में कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी नंबर सीरीज़ के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप कम से कम दिन में 5 सेट सॉल्व करें हर रोज़, तो आपका ये सिलेबस कवर हो सकता है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, एक मार्क्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि आप पास हो सके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको टाइम कम लगेगा और
ये जो कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन ये जो कुछ चैप्टर्स है उसमें टाइम कंज्यूम कम होता है, बस आपको आइडिया आनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही सॉल्व करना आ सकता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप इस सिलेबस को कवर कर सकोगे। और दोस्तों एग्ज़ाम के लिए आपको हर एक चैप्टर ज़रूरी नहीं है कि बराबर से आए, जो चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है उसी चैप्टर की आप तैयारी करिए। जिस हिसाब से आप चैप्टर की तैयारी करोगे उसी हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सब क्वेश्चन जो है आप अपन सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बुक से नहीं आते हैं, वो आइडियाज से आते हैं। तो आपको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको आइडिया आएगी कि एग्ज़ाम में सवाल के जवाब कैसे दे, कैसे जो प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि प्रैक्टिस में अपन को जमता है कौन से क्वेश्चन आए हैं। इसके लिए आप बैंकर्स अड्डा ग्रेड्स ऐप यूज़ कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं ऑलिव बोर्ड की, जो कि आपको कम रेट में मिल जाएगी। बट ज़रूरी है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतिम पार्ट में आप देखोगे आज जो है 29 सितंबर और आज है वर्ल्ड्स हार्ट डे। तो दोस्तों आप ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस मत लीजिए और अपने हार्ट को संभाल के रखिए। और इस वीडियो में मैंने जनरल अवेयरनेस के भी कुछ पॉइंट्स डाले हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्ज़ाम जोन, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ आइडियाज़ हो तो आप अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।